दोस्तों आज की जो वैकेंसी है वो RBL बैंक की तरफ से निकाली गई है। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए आप घर बैठे आसानी से ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों दिए गए इंटरव्यू लोकेशन पे जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। अब दोस्तों कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रतिदिन इसी प्रकार के जॉब से संबंधित वीडियो देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना होगा और गूगल पे आके आपको सर्च करना होगा कि RBL बैंक। जैसे ही दोस्तों आप सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कैरियर का। दोस्तों इस कैरियर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो RBL बैंक की तरफ से जो कैरियर का ऑफिशियल वेबसाइट बनाया गया है, डायरेक्ट आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो यह RBL बैंक के कैरियर का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके लिए आपको सबसे पहले नीचे जाना होगा। नीचे जाने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है आप चाहे तो इसे आसानी से रीड कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है अप्लाई नाउ का, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोसीड जो लिखा गया है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो जो भी RBL बैंक के तरफ से अभी वर्तमान में वैकेंसी चल रही है उसका सारा इन्फॉर्मेशन खुल के आपके सामने आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अलग अलग लोकेशन और अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, वर्क फ्रॉम होम है, सारे अलग अलग कैटेगरी के वैकेंसी है। तो आप अपने हिसाब से उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और दिए गए इंटरव्यू लोकेशन पे जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। दोस्तों नीचे जाने के बाद बहुत सारा ऑप्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप चाहें तो नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपके एड्रेस के आसपास जो भी लोकेशन है वहाँ पर आप जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको और आसानी से जॉब खोजना है तो यहाँ लोकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो भी लोकेशन के लिए आपको जॉब खोजना है उस लोकेशन का नाम लिखना है और फिर सर्च करना है। फिर आप यहाँ पर पोस्टिंग डेट भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद टुडे यानी कि आज के डेट में कौन सी वैकेंसी निकाली गई है उसे चेक कर सकते हैं। लास्ट 7 डे में कौन सी वैकेंसी निकाली गई है उसे आप चेक कर सकते हैं। लास्ट 14 दिन में कौन सी वैकेंसी निकाली गई है उसे आप चेक कर सकते हैं। ये सारा फैसिलिटी यहाँ पर दिया गया है। या फिर आप यहाँ पर पोस्टिंग डेट के हिसाब से जॉब लोकेशन ढूंढ सकते हैं, जॉब टाइटल ढूंढ सकते हैं, पोस्टिंग डेट ढूंढ सकते हैं। ये सारा फैसिलिटी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर स्टेट का नाम भी दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। महाराष्ट्र के लिए 30 वैकेंसी है, दिल्ली के लिए 26 वैकेंसी है, मुंबई के लिए 25 है, दिल्ली के लिए फिर से 20 है, न्यू दिल्ली के लिए 6 है। तो अलग अलग स्टेट और अलग अलग शहर के लिए वैकेंसी भी दिया गया है। तो आप इसे आसानी से चेक कर सकते हैं और इंटरव्यू एड्रेस पे जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपके पास एक बायोडाटा होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और अगर आप फील्ड के लिए काम करना चाहते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एक बाइक होना चाहिए, और अगर आप ऑफिस वर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये दोनों चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपका जो लास्ट क्वालिफिकेशन है उसका मार्कशीट होना चाहिए। दोस्तों ये सारे चीज़ अगर आपके पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं।